समय ना लगाओ तय करने के लिए कि आपको क्या करना है वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है नमस्कार मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में संघर्ष से मत डरो तभी मजा आता है जीने में चिंगारी रखो सीने में मजा आएगा जीने में आज बड़ा बिजनेस केस के स्टडी दे रहा हूं कुछ खास बातें अंदर की आपको शेयर करूंगा क्यों बड़ा बिजनेस बाकी कंपनीज के मुकाबले ज्यादा प्रोग्रेस किया कई सारी मल्टीनेशनल एटेक कंपनीज के मुकाबले बड़ा बिजनेस का प्रोग्रेस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत अमेजिंग रहा खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए खुद को तो बदलो सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए लक्ष्य पे हमने काम किया दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं रखा भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है खुद पे भरोसा रखा इन्वेस्टर को नहीं गए हम डेट फ्री इक्विटी फ्री हैं आज तक ना तो कभी कर्जा लिया ना किसी इन्वेस्टर का चेहरा देखा बावजूद उसके हम कंटिन्यूसली ग्रो करते गए इसका कारण क्या है आप पहले एक फंडामेंटल समझो कि जो डिजिटल कॉन्टेंट है यूट्यूब पे वगैरह वगैरह फेसबुक पे ये तो छोटे शहर छोटे कस्बे और छोटे गांव तालुका से अंदर जाते हैं तब भी वहां पे फ्री में लोग देख रहे हैं लेकिन जो कंटेंट का कंजम्पशन ट्रांजैक्शन के साथ पैसा खर्च करके हो रहा है वो केवल टॉप ट्वेल्व मेट्रो सिटीज़ में हो रहा है यानी कि बड़े बड़े शहरों में हो रहा है छोटे शहरों के अंदर लोग खरीदते नहीं है फ्री में देखते हैं लेकिन हमने क्या किया डिजिटल पेनेट्रेशन के साथ फिजिकल पेनेट्रेशन किया आज भद्रक नाम का एक शहर है

नाम मोबाइल नंबर और ज्वाइनिंग फी एकदम आई ज्वाइन कर गए आप तुरंत पैसा नहीं है आपके पास आपको लोन दिला देते हैं लोन देने पे इंटरेस्ट आता है आपको इंटरेस्ट फ्री करा देते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन आपका सिबिल अच्छा नहीं है तो भी आपको लोन दिला देते हैं आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है आई फाइल नहीं करी तो भी आपको लोन दिला देते हैं इतना लोन दिला करके आसानी से उसको आई बनाया थोड़ा उसने पैसा अपफ्रंट दिया और उसके बाद क्या किया अब वो तुरंत डे वन से कमाना चाहता है डे वन से ग्रो करना चाहता था तो आई के साथ हमने जी मॉडल बिल्ड किया जी मॉडल जानते हैं क्या है इसको बोलते हैं जनरेट नर्चर एंड क्लोज जी उसको लीड को जनरेट कैसे करें वो बिजनेस जनरेट कैसे करें बिजनेस को नर्चर कैसे करें और बिजनेस को क्लोज करके पैसा जेब में कैसे लेके आए इसके लिए हमने हर एक आईबीसी को मैनेजर दिया देखा हमने जनवरी फरवरी मार्च के महीने में कि अपने आप आईबीसी को सफलता नहीं मिल रही उसको मैनेजर्स देने शुरू किए मैनेजर्स के साथ तुरंत आईबीसी छलांग मारे कोविड लॉकडाउन हो जाने के बावजूद भी आईबीसी ने बहुत रेवेन्यू किया अब आईबीसी को क्या हो गया उसको आई आईडू यूसी मेथड पे हम सिखाते हैं आई डू आईडूसी मेथड क्या है

उसके बाद शाम अब यूडू रिपोर्ट वीकली अब शाम करते जा रहा है और वीकली रिपोर्ट करते जा रहा है यूडू अगर कोई गलती कर रहा है तो रिपोर्ट डेली वीकली भी नहीं डेली ऐसे आई डू यूसी मॉडल ये कितने आप में यूनिक मॉडल है ये दुनिया में कहीं नहीं होता जो हमने किया एक अमेजिंग आईडू यूसी मॉडल बिल्ड किया फिर हमने देखा कि आईबीसी को एक बार दो बार पांच बार ट्रेनिंग से काम नहीं चलता उसको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देना पड़ेगा फिर हमने नया जंप लिया एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया ये मैं आपको अपना केस स्टडी दे रहा हूं। क्यों हम लोग ग्रो किए देखिए कैसे कैसे हम अपग्रेड करते चले गए कंसिस्टेंटली उसको सारे प्रोडक्ट मैनुअल उसको मार्केटिंग को सारा कम्युनिकेशन उसको अपनी मर्जी से कहीं से भी बैठ के कभी भी किसी भी समय सीख सकता है अब इससे क्या रहा है वो अपना बिजनेस भी सीख रहा है और हमारे साथ भी सीखता चला जा रहा है अब क्या किया शुरुआत के समय में वो अपना कोई और नौकरी कर रहा था तो उसको वीकेंड पे सपोर्ट चाहिए तो वीकेंड पे हमारे मैनेजर्स की छुट्टी होती थी हमने उसको शिफ्ट लगा दिया तो वो वीकेंड पे भी सपोर्ट कर रहा है सैटरडे संडे को भी मैनेजर काम कर रहा है उसको बोलते है रीजनल आई मैनेजर, आई हैं रीजनल आईबीसी वो कहता है कि सर मुझे बिजनेस लाना है पहले मैं सेमिनार अटेंड करूंगा फिर मैं अपने लिए सेमिनार कराऊंगा तो उसको अटेंड कराना या उसके लिए सेमिनार कंडक्ट कराना कोई भी तरह की क्वेरी उसको सपोर्ट दे देना लोकल ब्रांच भी दे दिया ऑफिस भी ला करके दे दिया उसको तो उसको बहुत सपोर्ट मिला अब हमने देखा कि ये आगे रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है इसको एसएमएस चाहिए व्हाट्सएप चाहिए ईमेल फॉर्मेट चाहिए ब्रोशर चाहिए फ्लायर्स चाहिए लैंडिंग पेज चाहिए उसको अपना पर्सनलाइज मोबाइल नंबर चाहिए उसको मेरे वीडियोज़ का मोन्टाज चाहिए उसको बहुत कुछ चाहिए उसको सब रेडीमेड मिल गया तो अब देखा कि भाई ये सब तो अच्छा हो रहा है लेकिन ऐसा ना हो किसी और की सेल का बेनिफिट कोई और ले जाए किसी और की जनरेटेड लीड का बेनिफिट कोई और ले जाए तो हमने स्ट्रॉन्ग पेमेंट पोर्टल बना दिया कि आपकी लीड कोई और तो नहीं लेके जा रहा अब पेमेंट पोर्टल उसका अपना एक ऑफिस है उसका एक अपना सिस्टम है आज आपको कई आईबीसी से मिलवा रहा हूं मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा पूरा केस स्टडी समझिएगा अब वो आईबीसी अपना लीड अपना बिजनेस अपना पेमेंट लिंक सब कुछ उसी पर कर लेता है उसको सारी कमीशन भी उसी पर मिल जाती है उसको पेमेंट भी उसी में मिल जाती है वो कमीशन ट्रैक भी कर लेता है इन्वॉइसिंग को भी ट्रैक कर लेता है उसको सब कुछ उसी में दिख जाता है अब एक जगह पे जहां आपको पता चलने वाला हो कि इस महीने में, में मेरी इतनी कमाई हो इतना इनकम है अगले महीने इतना कर सकता हूं ये मेरा पोटेंशियल सब कुछ वहीं दिखता है तो हमने देखा ये सब तो ठीक है लेकिन अगर हम उसकी एक्सक्लूसिव वेबसाइट बना दें तो उसको फायदा होगा वो प्रमोट कर सकता है तो हर आई की एक्सक्लूसिव वेबसाइट बनाई जिसको बोलते हैं डिजिटल दुकान उसकी अपनी दुकान खोल के दे दी डिजिटल अब पोस्ट कोविड तो सब कुछ डिजिटल होने वाला है फिजिकल चीज़ें कम हो गई हैं जो ग्रोथ 2023-24 में आने वाली थी डिजिटल कंटेंट को वो दो हज़ार बीस इक्कीस में ही मिल गई ये बहुत बड़ी बात है चार साल बाद की ग्रोथ आज मिलने लग गई क्योंकि कोविड के बाद लोग डिजिटल कंजम्पशन बढ़ गया तो उसका अपना वेबसाइट बना दिया वो अपने वेबसाइट से ही लिंक करके एस एम व्हाट्सएप सोशल मीडिया सबको भेज पाता है उसमें उसका अपना डिटेल होता है उसका अपना डिजिटल दुकान पर सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी सब कुछ वहीं पर होगा मतलब कहने का ये अब देखो भाई लोग उसको आसान हो गया कि मेरी डिजिटल दुकान भी मिल गई एक वेबसाइट बनाने में बहुत समय लगता था उसका इससे क्या हो गया अब आईबीसी डे वन पे कमाना शुरू कर देता है उसको हाई कमीशन मिलती है सेल्स पर और पंद्रह पंद्रह दिन पे पेमेंट्स मिल जाती हैं यह नहीं कि महीने के एंड का वेट करना है बाय मंथली पेमेंट सिस्टम रख लिया हर पंद्रह दिन में उसको पेमेंट मिल जाएगी तो उसे कहीं फाइनेंस में दिक्कत नहीं आती और जीएसटी टी अगर वो नहीं जानता तो हम उसको उसमें हेल्प कर देते हैं और पेमेंट उसके अकाउंट में डायरेक्ट आती है यह नहीं कि उसको कैश लेने आना पड़ेगा चेक लेने आना पड़ेगा कोई ट्रांसफर कराना पड़ेगा अपने आप उसके बैंक अकाउंट में सब डिटेल आ जाती है अब हमने देखा कभी कभी फिर भी कुछ आईबीसी हैं उनकी कुछ शिकायतें बच जाया करती थी कि उनको कुछ चीज समझ नहीं आई या वो किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे या कर रहे हैं लेकिन उनका कहीं पर लीड क्लैश हो गया या कहीं कोई कुछ भी इशू आए नए नए तरीके के इशू आ जाते थे हर बार नया क्रिएटिव इशू आता तो हमने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया सीएमएस अब ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या आप इसको मोबाइल से लैपटॉप से डेस्कटॉप से कहीं से भी यूज कर सकते हो अपनी कंप्लेंट लिख के भेजो जैसे ही वो कंप्लेंट की रिक्वेस्ट डालेगा कंप्लेंट करेगा रिक्वेस्ट डालेगा सजेशन देगा तो जैसे ही इसकी कंप्लेंट होती है उसको भी नोटिफिकेशन आ जाता है टर्न अराउंड टाइम को कम करते चले जा रहे हैं ताकि सारी प्रॉब्लम्स को तुरंत रिजोल्व कर सके आज आपको कुछ आईबीसी से मिलवाता हूं बीस साल का बाईस साल का तेईस साल का लड़का आसानी से हमारे साथ दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख पच्चीस लाख पचास लाख तक का रेवेन्यू कर रहा है तो क्या हुनर तो सब में होता है फर्क सिर्फ इतना है किसी का छिप जाता है किसी का छप जाता है मिलिए उनसे आज जिनका हुनर हमारे youtube चैनल पे छपा है मैंने ibc ज्वाइन किया आज से चार महीने पहले पिछले महीने का जो मेरा रेवेन्यू था वो 51 लाख रुपीस और टोटल अभी तक का मैं आपको बताऊं कि जितना मेरे ibc का जर्नी रहा है पिछला तीन महीने का टोटल जो था वो 71 लाख रुपीस था जो नाम फेम रिस्पेक्ट की मैं तलाश कहीं और कर रहा था वो सब कुछ मुझे बड़ा बिजनेस के अंदर मिल पा रहा है पिछले जुलाई मंथ का मेरा जो रेवेन्यू है 25 लाख प्लस का है पिछले तीन महीने का आई मेरा जो रेवेन्यू है वो 46 लाख रुपए का है मेरा जो जुलाई मंथ का रेवेन्यू रहा है सिक्सटीन लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड का रहा है और मेरा जो टोटल रेवेन्यू रहा है थर्टी फाइव लाइक्स फिफ्टी टू थाउजेंड का रहा है इस कोरोना के वजह से सारे लोग लोग का जो बिजनेस घाटा में चल रहा है किसी का नौकरी जा रहा है किसी का सैलरी हाफ कर दिया गया है इस टाइम में इस तीन महीना में जो, मेरा, का जो वो जा जा मेरा पिछले मंथ का रेवेन्यू रहा है 16 लैक का जुलाई में और मेरा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की सब चीज की वो सारी समस्या को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने आईबीसी टी प्लेटफॉर्म में पूरी तरीके से खत्म कर दिया है मुझे नहीं लगता की दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस है जो इतनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा बिजनेस किया जा सकता है इतना आसान बिना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बिना कोई डिग्री के बड़ा बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एवरीथिंग अबाउट अबाउटिप हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हो हो गए गए लाइफ टाइम मेंबरशिप तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है ही नहीं कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिया में ऐसा अवेलेबल जो इतना पावरफुल कंटेंट इतनी आसान भाषा में सिखा सकता है और इन प्रोडक्ट्स की अगर मैं वैल्यू की बात